2022 का यूपी विधानसभा दिलचस्प रूप लेता जा रहा है। तीसरे चरण के पहले चुनावी मैदान में कई प्रत्याशी अपनी मान और मर्यादा भी भूलते जा रहे हैं। ताजा मामला कानपुर के आर्य नगर से सपा के प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी का सामने आया है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता जा रहा है, जिसमें वो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। वीडियो गुरुवार देर शाम का बताया जा रहा है, जब वो बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ प्रचार कर रहे थे। वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं कि आज मेरी वर्षगांठ है। इस मौके पर सुंदरकांड करवाया तो मेरे मित्र पूछने लगे कि सुंदरकांड क्यों करवाया, कहीं घूमने फिरने जाते? सपा विधायक ने कहा कि मैंने मित्रों से बोला कि मेरी पत्नी सुंदर है और मैं कांड करता रहता हूँ, इसलिए मैंने सुंदरकांड करवाया है। सपा प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल का एक रोड शो था। इस दौरान अमिताभ को जनसंपर्क करके कई नुक्कड़ सभाएं के जरिए अपना प्रचार भी करना था। इसी दौरान उन्होंने एक सभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के वस्त्रों पर टिप्पणी की। साथ ही सपा विधायक ने अपने संबोधन में सुंदर कांड का नाम लेते हुए कहा कि आज मेरी वैवाहिक वर्षगांठ की सिल्वर जुबली है। कानपुर से आर्य नगर सीट से सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी का विवादों से पुराना नाता रहा है। CAA और NRC के दौरान हुए शहर में दंगों में विधायक पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा था। इसके अलावा अभी हाल ही में अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उनके ऊपर NHAI के अफसर को थप्पड़ मारने वाले को इनाम देने का ऐलान करने का आरोप भी लगा था। जब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत भारतीय संस्कृति और हमारे धर्म और संस्कृति के प्रति जो अवमानना और तिरस्कार का भाव जिस प्रकार से सपा के चरित्र में देखने को मिला है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही वक्तव्य इनके प्रत्याशी भी करते आए हैं। यह दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों की मानसिकता हिंदू धर्म के प्रति कैसी है। मेरे हिसाब से तो इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। सादिक 25 साल जाओ पत्नी को घुमाओ फिराओ, सुंदर कांड क्यों करा रहे हो? हमको मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूँ, इसलिए सुंदर कांड। आप सोचिए कि तुलसी श्री रामचरित मानस के सर्वाधिक पठनीय और सर्वाधिक जन लोकप्रिय अध्याय सुंदर कांड के बारे में ये इस प्रकार की बात कहना, ये सर्वथा निंदा योग्य है और ये समाजवादी पार्टी के संस्कृति और धर्म विरोधी चरित्र को उजागर करता है।